मूवी के स्टार्टिंग वॉइस ओवर से होती है और हमें इंडिया स्टॉकर को दिखाया जाता है वॉइस ओवर के थ्रू। वो हमें बताती है कि आज वो जो कुछ भी पहनी है वो सब उसकी खुद की फैमिली ने ही उसे दिया है, जैसे कि उसके टॉप और स्कर्ट उसकी मदर का है, बेल्ट उसके फादर की है और शूज उसके खुद के अंकल की। और आज वो जो भी बनी है वो भी उसी की फैमिली की ही देन है। और आखिर हुआ क्या था ऐसा, उसके लिए हमें स्टोरी के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इंडिया स्टॉकर है, जो कि अपने घर के बैकग्राउंड में खेल रही है, जहां उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिला। आज उसका 18 बर्थडे है। जब वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक चाबी थी, जबकि उसके फादर उसे हर बार पेयर शूज देते थे। देखते ही देखते खुशी का माहौल घर में बदल जाता है, जब उसे ये पता चला कि उसके फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इंडिया के फादर का फ्यूनरल दिखाया गया, जहां पर इंडिया का अंकल चार्ली भी आया। पर यूं अचानक से उसका लौट आना इंडिया को ठीक न लगा। एवरिन इंडिया को चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर वो वहां से चली जाती है। पर चार्ली की नजर इंडिया पर ही थी। वो पीछा करते करते उसके पास आकर बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। चार्ली कुछ दिन उन्हीं के घर स्टे करने वाला है। नेक्स्ट डे इंडिया ने मैगरी और चार्ली को बात करते सुना। मैगरी उसे कहती है, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे कहा, पर आज तुम मेरे साथ में ऐसे क्यों कर रही हो। इसके बाद में मैगरी का कुछ पता नहीं चला। एवलिन को लगा शायद वो अपने गांव लौट गई है। जब उसने इंडिया को बाहर चलने का कहा घूमने के लिए, इंडिया ने कहा, आप एक विडो हैं विक्टोरियन टाइम में। विडो 2 साल तक अपने हस्बैंड का शोक मनाती है, पर फादर की डेथ को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। पर एवलिन चार्ली के साथ में चली गई। उनके पीछे इंडिया चार्ली के सामान की तलाशी लेती है, तो उसके सामान में उसे एक बॉक्स मिला, ठीक वैसा ही जैसा रिचर्ड उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया करता था। वो उसे ओपन करती है। उससे पहले चार्ली एवलिन घर लौट आए। चार्ली इंडिया से बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, वो उसे भाव तक नहीं देती। अब तीनों साथ में डिनर करते हैं, तो इंडिया ने पूछा, आपने मुझे पहले कभी अंकल चार्ली के बारे में क्यों नहीं बताया। एवलिन ने कहा, मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता था। एवलिन उठ करके चली गई। चार्ली ने इंडिया को ड्रिंक ऑफर की और फ्रेंडशिप का कहा, पर उसने कहा उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे जब इंडिया स्कूल से बाहर निकली तो उसने देखा चार्ली उसे रिसीव करने आया है, पर वो उसके साथ नहीं आई। एवलिन भी अब ड्रिंक करने लगी थी। वहीं चार्ली इंडिया के करीब आने की हर कोशिश करता है। एक दिन उनके घर आंट क्वीन आई। एवलिन ने उसे पूछा कि वो कब तक रुकने वाली है। क्वीन ने कहा, वैसे तो वो एक दो दिन में लौटने वाली थी, पर शायद अब मुझे ज्यादा दिन रुकना होगा। चार्ली को देख करके आंट ने एवलिन से अकेले में बात करने का कहा चार्ली के बारे में, क्योंकि उसे उस पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं और वो उसी के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है। पर एवलिन उल्टा उस पर भड़क जाती है, क्योंकि वो चार्ली की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उसके पास में वो उसका सहारा था। उसके साथ उसका अकेलापन दूर हो रहा था। अब क्वीन जब होटल लौटती है तो इंडिया को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कॉल करने का बोलती है। इवनिंग देरी होकर के चार्ली के रूम में आई, पर वो वहां नहीं था। इवनिंग को चार्ली के बैग से रिचर्ड का इंडिया का बर्थडे बॉक्स मिलता है। इंडिया को घर के फ्रीजर में मैगरी की बॉडी मिली। कहीं ना कहीं इंडिया को चार्ली पर शक होने लगा था। एक दिन वापस से चार्ली इंडिया को रिसीव करने उसके स्कूल पहुंचा। उसे देख करके इंडिया अपना रास्ता बदल लेती है। रात को इंडिया ने देखा इवनिंग और चार्ली दोनों डांस करते करते क्लोज आ रहे थे। दोनों को इतना करीब देख करके इंडिया वहां से चली गई। चार्ली भी उसको देख लेता है। इंडिया को विप मिला। विप उसे रेस्टोरेंट चलने का बोला, पर इंडिया उसे पार्क में लेकर गई। वहां वो उससे बात करते करते उसके क्लोज आई और उसे किस करने लगी। विप और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो इंडिया के साथ में जबरदस्ती करने लगा। तभी उसका अंकल वहां आ गया। उसने विप के हाथ पर बांध दिया और उसे मार करके वहीं अपने घर के बैकयार्ड में दफना दिया। घर पर शावर लेते समय इंडिया को वो सब याद आया और वो बहुत रोई। नेक्स्ट डे इंडिया अपने फादर के स्टडी रूम में जाकर के एक ड्रॉवर को खोलती है, जिसकी चाबी उसे बर्थडे प्रेजेंट में मिली। उस ड्रॉवर में उसे कुछ फोटोज मिले। उन फोटोज से उसे ये बात पता चली कि उसके फादर का जोनाथन नाम का एक और भाई हुआ करता था, जिसके बारे में वो चार्ली से पूछने गई। तभी चार्ली वहां आ गया। चार्ली ने भी उसके हाथ में एनवलप देखा और वो सब समझ गया कि इंडिया को उसके बारे में सब सच पता चल चुका है। तो उसने जोनाथन के बारे में बताया, जो उसका छोटा भाई हुआ करता था। उसने बताया कि उसके फादर रिचर्ड हमेशा जोनाथन पर ही ध्यान देते थे, चार्ली को इग्नोर करते थे। इस सब से उसके मन में अपने खुद के भाई जोनाथन के लिए इतनी नफरत पड़ गई कि उसने अपने भाई जोनाथन को ही खेल खेल में जिंदा दफना दिया।
जिसके लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। और जिस दिन तुम्हारा 18 बर्थडे था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर तुम्हारे फादर रिचर्ड ने ऐसा नहीं होने दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं, तो मैंने उसको भी मार डाला। इंडिया ने पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों आए? चार्ली ने कहा, मैं बस तुम्हारा 18 का होने का वेट कर रहा था, ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। मतलब कि वो उसे बचपन से प्यार करता था और आज वो उसे प्रपोज भी करता है, उसे उसका 18 बर्थडे प्रेजेंट देता है, हाई हील सैंडल। मतलब कि वो शूज चार्ली ही भेजा करता था, ना कि उसके फादर। तभी वहां पर विप के बारे में पूछताछ करते हुए ऑफिसर आया, पर इंडिया सब संभाल लेती है और वो चार्ली को बचा लेती है। और अब चार्ली न्यूयॉर्क शिफ्ट होने का बोलता है। इंडिया भी देरी थी, वो दोनों क्लोज आते हैं। वो इस समय काफी क्लोज थे, तो एवरिन उन्हें देख लेती है और उनको इतना क्लोज देख करके वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। एवरिन भी रेडी होकर के चार्ली को अपने पास बुला करके कहती है, मुझे पता है रिचर्ड का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मारा गया और मैं जानती हूँ उसे किसने मारा। ये सुनकर के चार्ली एक पल के लिए शॉक हो जाता है। एवरिन उसे कहती है कि इंडिया मेरी बेटी को जाने दो, उससे दूर रहो। पर वो एवरिन को सीड्यूस करने लगा और सीड्यूस करते करते वो अपनी बेल्ट से उसका गला दबा करके उसे मारने को था। तभी इंडिया अपने फादर की गन लेकर के वहाँ आ गई और उसने चार्ली को शूट कर मार डाला और उसकी बॉडी को भी वहीं घर के बैकयार्ड में दफना देती है। अब इंडिया चार्ली की गाड़ी लेकर के वहां से चली गई। और ये वही सीन है दोस्तों जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, जहां पर खुद इंडिया वॉइस ओवर के थ्रू हमें बता रही थी। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।